हमारी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी फ्लैबी आर्म्स के लिए, जैसे अगर जैसे जो हमारा ये पार्ट जो है वो हैवी हो जाता है बिना वर्कआउट किए, जब हम वर्कआउट नहीं करते हैं, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है, तो हमारे बहुत से पार्ट्स जो हैं वो बल्की हो जाते हैं। तो आज हम अपने बल्की आर्म फैट के लिए वर्कआउट करेंगे। इसके लिए पहले हम थोड़ा सा साइड ट्विस्ट करेंगे। वेरी गुड ट्विस्ट, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड, जब हम पीछे की ओर जाएंगे तो हमारी जो फ्रंट फेसिंग जो बाजू होगी वो ऑब्वियसली बेंड होगी, क्योंकि हम बैठे हुए हैं तो वो अच्छे से बेंड होगी। वेरी गुड, थोड़ा सा हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा अपने नेक पे काम करेंगे, वेरी जेंटली एंड कंफर्टेबली। हमारी बॉडी इस वक्त गर्म है काफी, वार्म्ड अप, तो हमें कोई भी जो एक्सरसाइज है वो हमें जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जब भी हमारा शरीर गर्म होता है और अगर हम जल्दबाजी में वो कर जाएं, तो जब हम रात को सोएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो पेन वापस लेके आपको दे जाएगी और आपको पेन होगा। इसलिए जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि आप जो कर रहे हैं वो ध्यान से करें, कॉन्शियसली करें, अपना पूरा ध्यान देके उसे करें, ताकि कहीं पे भी कभी भी किसी भी तरीके का आपको कोई भी लिफ्ट या कोई भी स्ट्रेच ज़्यादा एक्सटेंड ना हो जाए, ज़्यादा प्रेशर ना दे जाए, जिससे आप अपने वर्कआउट्स के लिए प्रिपेयर ना रह पाओ। तो आपको इसको ध्यान देना है। नाउ फॉर द एक्सरसाइज फॉर आवर बल्क आर्म्स, हम अपने हाथ बाजू ऐसे, हाथ खुले रहेंगे, बाजू बेंड रहेगी। नाउ इनहेल, एक्सहेल, इट्स इजी बट वेरी इफेक्टिव। ये आपको देखने में जितनी आसान लग रही है ये उतनी ही इफेक्टिव है। अगर आप इसे दिन में करते हैं, ध्यान से करते हैं, अगर आपके बॉडी में आपके जो आर्म्स हैं वो काफ़ी हैवी हैं, बल्की हो चुके हैं, तो आपको ये दिन में टीवी देखते हुए भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम अपना पेस फास्ट करेंगे। Feel the stretch. Two more. And drop. You can feel the heat. ये आपका जो पूरा पार्ट है, heated up now. Thank you.